ये हैं न्यू राजेंद्र नगर में स्थित श्री हरे कृष्ण मंदिर, जहां आज आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंदिर के बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो एक ओर विशाल वट वृक्ष के दर्शन होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही एक पूजन सामग्री की दुकान है, जिसके ओनर सूरज जी हैं। मेरी शॉप पे सब कुछ सामान मिलता है पूजा के, जैसे अगरबत्ती, लौंग, इलायची, सुपारी, पान पत्ता, हवन सामग्री, आम लकड़ी और सारा सामान पूजा सम्बन्धित, फूल माला, नारियल, जनेऊ, कपूर सब कुछ मिलता है। मंदिर के फर्स्ट गेट पर मैं रहता हूँ। थोड़ा सा और अंदर प्रवेश करने पर मंदिर का प्रांगण आता है, जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर एक पीपल का भी वृक्ष है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी ग्रह दशाओं की शांति भी होती है। और ये है साईं बाबा जी का मंदिर। इसके पश्चात जैसे ही हम मंदिर के मुख्य भवन में प्रवेश करते हैं तो वहां पर विभिन्न देवी देवताओं के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। और आप देख सकते हैं दीवार पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक लिखे गए हैं। और ये है जगत जननी माँ दुर्गा जी का बहुत ही प्यारा स्वरूप।
हरे कृष्ण मंदिर और दिनचर्या के बारे में इनसे जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए इन्हीं से पता करते हैं हम, क्योंकि इनसे अच्छा और कोई बता नहीं सकता। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायस्तनो हरि। आप सभी का इस साधक चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं श्री हरे कृष्णा मंदिर न्यू राजेंद्र नगर पुजारी पवन कुमार शुक्ला। हमारे मंदिर में बहुत अच्छा नित्य जो है, जो क्रिया है हमारे मंदिर का सुबह, हमारे मंदिर 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक के भगवान के श्रृंगार होते हैं, गोपाल जी का स्नान कराया जाता है, उसके बाद में मंगल आरती होती है और प्रार्थना पूर्वक जो है भगवान का जो है अभिनंदन किया जाता है। संगत आती है हमारे और दोपहर में जो है मंदिर को 12 बजे विश्राम कराते हैं। शाम 4:30 बजे फिर मंदिर खुलती है हमारी, पट खोले जाते हैं और 4:30 बजे से लेकर 9 बजे रात्रि तक भक्तों का दर्शन होता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो है हमारे मंदिर में आ करके सभी भक्तजन अधिक से अधिक मात्रा में भाग लेकर के जो हमारे मंदिर का शोभा बढ़ाएं। जय श्री राम। ये हैं श्री हनुमान जी, जिनका श्रृंगार सिंदूर से किया गया है। साथ ही भगवान शंकर, माता पार्वती और नंदी जी के साथ विराजमान हैं। और ये है पवित्र शिवालय। मंदिर में मेरी मुलाकात यहाँ के व्यवस्थापकों से हुई। मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों के विषय में आइए उन्हीं से संक्षेप में सुनते हैं। मैं संतोष महेंद्र, प्रधान हरे कृष्णा मंदिर न्यू जिंदर नगर। ये हमारे गीता मंदिर से आए हैं, हमारे मंदिर के ही सारी फ़ोटोज़ लेंगे, इनको यूट्यूब में करेंगे और सब तक पहुँचाएँगे। इनका कहना है कि हम जैसे हमारा सनातन धर्म है, इसको आगे लेकर जाएँ, घर घर में इसका प्रचार। तो ये सब जो भी हमारे छोटे मंदिर है, आसपास के मंदिर है, सब कुछ कवर करना चाहते हैं। तो हम बहुत अच्छा लगा, तो हम इसीलिए इनके साथ आए हैं मंदिर में। हमारे मंदिर में सुबह से लेकर पहले सुबह मंगला आरती होती है, जो कि हमारे इधर राधा कृष्ण मंदिर में ही होती है, और कहीं मंगला आरती नहीं होती है। तो फिर उसके बाद भजन कीर्तन भी होता है और सारे त्यौहार हम मनाते हैं। हर ट्यूसडे को हमारे 4 से 5, 5:30 तक हमारा सत्संग होता है और जो और सत्यनारायण की कथा भी होती है, और जो भी त्यौहार आते हैं हम सारे ही यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अब जो सरस्वती जी का है अभिषेक होगा, ये बसंत वाला दिन है, 26 जनवरी है, तो सुबह 10 बजे हम और जो भी आना चाहें आए, हमें अच्छा लगेगा भगवान जी का। और यहाँ हम सारे एड्रेसेस वगैरह चेंज होती रहती हैं। शिव जी का मंदिर है, बड़ा खूबसूरत मंदिर है, संगत आए तो। और इधर साईं बाबा जी का मंदिर भी हमारे यहाँ, यहाँ वीरवार को सत्संग होता है, लंगर भी होता है। तो लगता है कि आप जगह संगत आती हमारी खूब अच्छा। माता रानी की जब चौकी होती है, हमारा हॉल इतना भर जाता कि खड़े होने को जगह ही नहीं होती, इतने लोग आते हैं। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। जी संगीता जी हैं, संगत से ही मंदिर बनता है, तो संगत को तो मंदिर में आना ही चाहिए। जैसे इन्होंने बोला है कि हम सारे त्यौहार तो बहुत मनाते ही हैं, सुबह आरती से लेकर रात शाम की आरती तक, और ये हर त्यौहार को हम जैसे सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी पे, सुंदरकांड का पाठ होता है 2nd शनिवार को, 2रे शनिवार को, और अमावस्या का कीर्तन मरसेवा के हवन होता है 10 बजे मस्या पे, और हर ट्यूसडे कीर्तन होता है। और सारे त्यौहार जैसे महेंद्र जी ने बोला है, हम बहुत अच्छी तरह शौक से मनाते हैं। आप सब आइए और इस मंदिर को, और आपके आने से ही मंदिर बढ़ेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।